अहमदनगर के पद्मश्री डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज में MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन का बेसिक कोर्स आयोजित हुआ। इस कार्यशाला को ब्रह्मा कुमारी के साइबन में मधुबन बीके पाठशाला की संचालिका बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया ने संबोधित किया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि परमपिता परमात्मा ने जो राजयोग क्रिएट किया है और हम बच्चों के द्वारा सारे विश्व में फैलाने का कार्य परमात्मा कर रहे हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज को भी अभी इंक्लूड किया है। एक नया नेशनल कैंपेन लॉन्च हुआ है, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, एन स्वर्णिम भारत के लिए सत्य ईश्वरीय ज्ञान हर आत्मा को होना ज़रूरी है। जो मेडिकल स्टूडेंट है वो स्वयं तो डॉक्टर बनते हैं और उनके द्वारा अनेक अनेक पेशेंट को उसका लाभ होता है, तो उनके लिए स्वयं में भी हीलिंग पावर चाहिए और जिनको ट्रीट कर रहे हैं उनको भी हील करने की क्षमता उनमें आनी चाहिए। इस मकसद को ध्यान में देते हुए पद्मश्री विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज अहमदनगर में डॉक्टर नाइकवाड़ी सर इनके कोऑर्डिनेशन से राजयोग मेडिटेशन का कोर्स 7 डेज का कोर्स गए साल से शुरू हो गया। लास्ट ईयर भी 200 बच्चों ने इसमें सहभाग लिया था, 200 बच्चों ने राजयोग मेडिटेशन किया, उनके बिहेवियर में जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, उनका पढ़ाई का जो कंसंट्रेशन बढ़ गया है, उनके जो रिजल्ट्स आए हैं एग्ज़ाम के उसमें भी कंपैरेटिवली बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। ये सभी बातें सामने रखते हुए इसी साल भी फर्स्ट ईयर MBBS के स्टूडेंट्स के लिए राजयोग मेडिटेशन का कोर्स लिया गया और ये सारी बातें राजयोग मेडिटेशन का साप्ताहिक कोर्स में जो हम समझाते हैं वो सभी समझाई गई। इसके साथ साथ भी ये भी समझ में आ गया कि केवल मेडिसिन देकर पेशेंट ठीक नहीं होता है, लेकिन मेडिसिन के साथ में मेडिटेशन भी अगर रहा तो जल्दी रिकवरी और हीलिंग की पावर बढ़ जाती है। डॉक्टर सुधा कांकरिया ने इस कोर्स में स्वयं का परिचय, परमात्मा का यथारत परिचय, राजयोग के साथ मेडिटेशन एज मेडिसिन, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, हीलिंग एनर्जी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सुप्रीम पावर गॉड, कॉल ऑफ टाइम, वर्क एंड लक रिलेशन जैसे विषयों को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से समझाया। साथ ही इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के HOD बीके डॉक्टर दीपक नाइकवाड़ी सर, बीके मुन्नी दीदी, रोटरी क्लब के अध्यक्ष माधव देशमुख, सचिव दीपक गुजराती, हर्षवर्धन सोनवड़े, एनाटॉमी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर पवार सर, डॉक्टर जाधव मैडम, डॉक्टर बागल सर उपस्थित रहे। How can you get the happiness? It requires only meditation. Without meditation, you can't get the happiness. मुझे पूरा यकीन है कि ये एक बड़ा हेल्पफुल सेशन था और इसकी वजह से हमारे स्टूडेंट और हमारे कैंपस के वाइब्रेशंस बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और इससे मेडिकल फील्ड में एक नई क्रांति होगी। कोर्स के आखिरी दिन स्टूडेंट्स ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि राजयोग मेडिटेशन से हमें जीवन जीने की कला प्राप्त हुई है, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, छोटी छोटी बात पर पहले टेंशन आता था वो अब नहीं आता, मन में प्रसन्नता और खुशी महसूस होती है। मैं एंड रूम पार्टनर जब पढ़ने बैठे तो सिर्फ पढ़े जा रहे एट द एंड ऑफ द पेज ऊपर का कुछ याद ही नहीं आ रहा था। तब एक दिमाग में एक टायर्डनेस छा गई, एक तो स्ट्रेस तैयार हो गया, क्या चल रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे पकअप करेंगे, थोड़ा थका हुआ था, महसूस हुआ अशांत हो गया मैं। फिर बाद में अपने राजयोग मेडिटेशन किया थे तो हमने बैकग्राउंड में अपना शांति सागर की लहरें ये सॉन्ग स्टार्ट किया एंड मेडिटेशन पोजीशन में बैठे 5-6 मिनट और उसके बाद लिटरली जब मेडिटेशन हुआ तो उसके बाद ऐसा अनुभव इंटरनल माइंड की शांति की लहरें सच में छा गई थी, एक तो कॉन्फिडेंस कॉन्सेंट्रेशन फोकस बढ़ सके थोड़ा बढ़ा था। बट उसके बाद जब पढ़ने को बैठे तो 70% तक चीजें याद रही।